जून में अच्छी बारिश नहीं होने से मुंबई समेत राज्य के प्रमुख शहर पानी की कटौती के संकट से जूझ रहे थे। मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाली झीलों में पानी का स्टॉक कम हो गया था। इसे ध्यान में रखते हुए मुंबई नगर निगम प्रशासन ने 27 जून 2022 से अच्छी बारिश तक मुंबई में पानी की आपूर्ति में 10% की कमी करने का फैसला किया था। हालांकि अब इस फैसले को रद्द कर दिया गया है। जुलाई के पहले हफ्ते से मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले बांध क्षेत्र में भारी बारिश हुई। जल आपूर्ति झील क्षेत्र में संतोषजनक वर्षा और पर्याप्त पानी की उपलब्धता के कारण आज यानी 8 जुलाई 2022 से जल आपूर्ति 10% कटौती करने के निर्णय को रद्द कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगर अच्छी बारिश जारी रही तो झीलों और बांधों में पानी के लेवल के और बढ़ने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो अगले 10 से 15 दिनों में बांध पूरी तरह से भर जाएंगे। ऐसे में मुंबई और ठाणे की पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। मुंबई शहर को पानी की आपूर्ति करने वाले बांध मुख्य रूप से ठाणे जिले में हैं। अगर इस जिले में अच्छी बारिश होती है तो अगले साल पानी की कमी नहीं होगी। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की।